नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम आपको सीधा फैक्ट से रूबरू करवा रहे हैं, सीधी कवरेज दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर से। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोनम जी, जो देहरादून से डेरा सच्चा सौदा सिरसा में आई हैं। वेल एजुकेटेड हैं और 20 सालों से, ये पिछले 20 सालों से लगातार डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आ रही हैं। इनसे जानते हैं कि बीइंग गर्ल इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा के बारे में। सीधी बातचीत इनके साथ आपको दिखाते हैं। सोनम जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सतगुरु ही रही आज का। सोनम जी, आप देहरादून से इतनी दूर से डेरा सच्चा सौदा में आई हैं, किस सोच से, किस रीज़न से आई हैं? मैं यहाँ बचपन से ही, मतलब ये मेरा घर ही है एक तरह से। मैं बचपन से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ और मेरे बहुत विशेष पिताजी ने पूरी करी हैं। और यहाँ आकर मतलब मन इतना हल्का हो जाता है। इतनी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर और मैं यहाँ पर आती हूँ तो मेरा मतलब बिल्कुल मन ऐसा हो जाता है कि बस मेरा घर है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं यहाँ से जाऊँ ही नहीं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन, मैं MBA हूँ और मैं पहले मैं खुद भी मतलब इसमें इस लाइन में थी। और मेरी अभी आफ्टर 2 मंथ बाद डिलीवरी है, मैं उसके लिए आई हूँ बस। मैम, आप यहाँ पर आए हो, लोगों का कहना था यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं आते आश्रम में। नहीं, पढ़े लिखे लोग अंधभगत बोला जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। पिताजी जैसे कल थे ऐसे ही आज है, जैसी संगत कल थी वैसे ही आज है। कुछ नहीं बदला है, बस लोगों का थोड़ा दिमाग बदल गया है, सोच बदल गई है, टाइम बदल गया है, बाकी कुछ नहीं बदला है। जो जैसे था वैसे ही था, बल्कि जब से पिताजी गए हैं बढ़ चढ़ के लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के अपनी अपनी भावनाएं, अपनी सेवा, अपना हर चीज़ व्यक्त कर रहे हैं। पिताजी हर कण कण में, हर पत्ते में, हर जगह में है पिताजी। बस देखने की जरूरत है, पिताजी हर जगह है। आप उन खबरों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो 3-4 साल पहले मीडिया में? खबरें सब अंधविश्वास है, सब फजूल है, बिल्कुल गलत है। मतलब पिताजी को बस वो करने के लिए है, ये पॉलिटिक्स है, ये ऐसा है, ये वैसा है करने के लिए। कुछ भी सही नहीं है। जो जैसा था वैसा ही है, बस थोड़ा टाइम कुछ गलत था जो निकल जा। और पिताजी बहुत जल्दी हमारे रूबरू होने वाले हैं, बहुत जल्दी। जो एलिगेशन उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है, एक भी बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ 5th क्लास जुड़ी हुई हूँ और आज मुझे इतने साल हो गए हैं, मेरी शादी, मेरी एजुकेशन, मेरी नानी, मेरी दादी सब यहीं से जुड़े हुए हैं और मैं कभी नहीं छोड़ना चाहती। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी होगा होने वाला है बस अच्छा ही होने वाला है। उनका नेचर कैसा है गुरुजी का? बहुत अच्छा नेचर है। पिताजी तो बस ऐसे हैं, साक्षात भगवान है। उनका नेचर में क्या है, हम लोग अपने आप को झांक कर देखें क्या है हमारे मन में। कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम शीशे की तरह साफ, हमारे अंदर जो भी पाप है, गलत है, हम बिल्कुल रूबरू हो जाते हैं पिताजी के सामने आते हो। अभी भी हमें रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते हुए कि भाई पिताजी मेरे सामने ही खड़े हैं जैसे। मैम, उनका करैक्टर कैसा है? क्योंकि करैक्टर बहुत अच्छा है। वो करैक्टर भगवान के बारे में हम करैक्टर कैसे बता सकते हैं? भगवान खुदा है, वो उनके बारे में हम कैसे बता सकते हैं करैक्टर कैसा है? हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं, आम इंसान है हम। वो रब वहाँ बैठकर भी हमारे बारे में इतना कुछ सोच रहा है, इतना कुछ हमारे बारे में कर रहा है, हम लोगों को इतना ज्ञान दे रहा है, हमारी आत्मा को इतनी शांति मिलती है और हमारा घर परिवार हर चीज़ मतलब उनके ऊपर ही है। लेकिन मैम, जो पब्लिक है, जो सोसाइटी है, उनके दिमाग में जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ अनपढ़ लोग हैं, भेड़ चाल है, एक के पीछे चल दिया। और वैसे भी कलयुग है, कलयुग में हर चीज़ पॉलिटिक्स होती है और ये पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें कुछ बांध दी, गांठ दी और वॉश कर दिया, हो गया। जो इमेज उनके माइंड में बनी हुई है, आप क्या अपना फैक्ट रखना चाहोगे उनके साथ? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग पुराने पिताजी से जुड़े हुए हैं आज भी जुड़े रहे, जो चमत्कार कल भी हो रहे थे वो आज भी हो रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला है। पिताजी हमारे सामने साक्षात है और 3 मंथ बाद 4 मंथ बाद जब भी पिताजी आए तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है गुरु जी का? बहुत अच्छा है। जहाँ मैं रहती हूँ, मैं देहरादून रहती हूँ, अब मैं यहाँ आई हूँ, मुझे कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है कि सब कुछ जैसे पिताजी के टाइम था सब कुछ वैसा आज हो गया है उनकी सोसाइटी। बिल्कुल 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 नीट क्लीन है, हर किसी का माइंड जो भी हुआ था, ब्रेन जिसकी हुई थी, सब वॉश हो गया है, सब कुछ नीट है सोसाइटी को गुरुजी की। बिल्कुल बिल्कुल उनकी जरूरत इतनी है कि अब देखो कितना कुछ बदल गया है। अब जब तक वो थे सब कुछ सही चल रहा था, जैसे ही वो गए हर चीज़ चेंज हो गई। कोरोना आ गया, कैसी बीमारियाँ आ गई, और कहाँ प्रलय हो गई, कहाँ कुछ हो गया, कहाँ बाढ़ आ रही है, कहाँ पहाड़ गिर रहे हैं, मतलब बहुत ट्रेजेडी हो रही है। वो हर चीज़ को संभाल रहे थे, कितने लोगों का उद्धार किया, कितने लोगों की शादी करी है उन्होंने। तो ये आम इंसान तो नहीं कर सकता, हम लोग तो कर ही नहीं सकते। क्या अपील करोगे आप सरकार? मैं बस ये अपील करूँगी पिताजी, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ बस। बस मैं, हम लोग आपके बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप जल्दी से जल्दी आ जाइए और जो सच्चाई है सब दुनिया के सामने आ जाए, बस ऐसा चमत्कार कर दीजिए आप।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार हम आपको सीधी कवरेज दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर से, आज भी किस तरीके से लोगों की आस्था गुरु जी के साथ जुड़ी हुई है। देहरादून से ये वेल एजुकेटेड हैं और आज भी आश्रम में आ रही हैं, जो करारा तमाचा मार रही है उन हेडलाइंस को जो दिखाया जा रहा था कि डेरा सच्चा सौदा में बेटियाँ सेफ नहीं है, जो मीडिया में प्रचार किया गया था सब बातों को ये करारा तमाचा मार रही हैं, मांग कर रही हैं सरकार से कि संत जी सोसाइटी में वापस आने चाहिए, सच्चे समाज सुधारक हैं संत जी। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए आपकी इन फैक्ट्स के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।